अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इस्लामियात के कुछ अहम सवाल जो कि मुख्तलिफ जॉब के टेस्ट में रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कुरान पाक सबसे पहले किन की खिलाफत के दौरान मुकम्मल किया गया था? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगला सवाल है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे हुकूमत कितने अरसे के लिए कायम रहा? 500 साल, 600 साल, 700 साल, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है 600 साल। अगला सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कहाँ नाजिल हुई? गारे हिरा में, गारे सौर में, दारे अरकम, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है गारे हिरा में। अगला सवाल है, फतह मक्का के बाद खाना काबा की चाबी का मुहाफिज कौन था? उस्मान बिन तलहा, अबू सुफियान, अब्बास, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उस्मान बिन तलहा। अगला सवाल है, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कब इस्लाम कबूल किया? 3 हिजरी, 2 हिजरी, 9 हिजरी, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है 9 हिजरी। अगला सवाल है, सुलह हुदैबिया किसने तहरीर किया था? हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अगला सवाल है, हजरत अबू सुफियान ने किस गजवा में अपनी आंख खो दी? ताइफ, ओहद, खंदक, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ताइफ। अगला सवाल है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने साल के लिए खलीफा रहे? 2 साल, 4 साल, 10 साल, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है 10 साल। अगला सवाल है, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किस महीने में शहीद किया गया था? रमज़ान, रजब, ज़िलहज, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ज़िलहज। अगला सवाल है, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कब शहीद किया गया? 650 सन ईस्वी, 656 सन ईस्वी, 661 सन ईस्वी, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है 661 सन ईस्वी। हमारा अगला सवाल है, सूरह अनफाल में किस गजवा का जिक्र किया गया है? बदर, ओहद, तबूक, मौता। इसका सही जवाब है गजवाए बदर। हमारा अगला सवाल है, अनफाल के क्या माना है? समान जंग, मालो दौलत, माल गनीमत, चोरी का माल। इसका सही जवाब है माल गनीमत। अगला सवाल है, सूरह अनफाल कौन सी सूरत है? मदनी, मक्की, बदरी, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है मदनी। अगला सवाल है, अल्लाह ताला ने आले फिरौन को किस तरह हलाक किया? डुबो दिया, दफन कर दिया, पत्थर बरसाए, तेज़ हवा का अजाब। इसका सही जवाब है डुबो दिया। अगला सवाल है, ज़बूर किस पर नाजल हुई? यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। इसका सही जवाब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजल हुई। अगला सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस साल की उम्र में पहली वही नाजल हुई? 30 साल, 40 साल, 42 साल, 45 साल। इसका सही जवाब है 40 साल। अगला सवाल है, सूरह अहज़ाब में आयात की तादाद है 70, 73, 76, 79। इसका सही जवाब है 73। अगला सवाल है, निकियों की फसलें बहार किस महीने को करार दिया गया है? मुहर्रम, रबीउल अव्वल, रमज़ान, शवाल। इसका सही जवाब है रमज़ान। अगला सवाल है, हदीस में दीन को किस से तशबिया दी गई है? समंदर, पुल, दरख्त, इमारत। इसका सही जवाब है इमारत। अगला सवाल है, दीन का स्तून क्या है? नमाज, कलमा, रोज़ा, हज। इसका सही जवाब है नमाज। नमाज दीन का सतून है। अगला सवाल है, तहारत के लुगवी माना है साफ़ होना, पाक होना, सच्चा होना, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है पाक होना। अगला सवाल है, कुरान मजीद में रिश्ता अज़वाज का क्या नाम दिया गया है? ज़ौजैन, एहसान, मोमिनीन, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है ज़ौजैन। अगला सवाल है, मुसलमान मर्द का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल होता है? 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब है 3। अगला सवाल है, कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? 110, 112, 114, 116। इसका सही जवाब है 114। अगला सवाल है, मुसलमान औरत का कफन कितने कपड़ों पर मुश्तमिल होता है? 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब है 5। अगला सवाल है, कुरान पाक की सबसे लंबी सूरा का नाम क्या है? सूरह बकरा, सूरह रहमान, सूरह कहफ, सूरह तौबा। इसका सही जवाब है सूरह बकरा। अगला सवाल है, किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है? सऊदी अरब, ईरान, फ़लस्तीन, इराक। इसका सही जवाब है फ़लस्तीन। अगला सवाल है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक किस कबीले से था? बनु उमैया, बनु मखज़ूम, बनु हाशिम, बनु अकबा। इसका सही जवाब है बनु मखज़ूम। अगला सवाल है, साकी जमज़म किसको कहा जाता है? हज़रत अब्बास, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत अली। इसका सही जवाब है हज़रत अब्बास। अगला सवाल है, हजरे अस्वद को चूमना क्या कहलाता है? सही, इस्तलाम, रमी, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है इस्तलाम। अगला सवाल है, हज के दौरान शैतान को किंकरियाँ मारना क्या कहलाता है? सही, इस्तलाम, रमी, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है रमी। अगला सवाल है, सलात इस्तिस्का किसके लिए अदा की जाती है? बारिश, सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है बारिश। अगला सवाल है, ज़कात के लिए सोने का निसाब क्या है? 4.5 तोला, 7.5 तोला, 10 तोला, 23.5 तोला। इसका सही जवाब है 7.5 तोला। अगला सवाल है, सहाय सित्ता में हदीस की कुल कितनी कुतब शामिल हैं? 4, 5, 6, 7। इसका सही जवाब है 6।
अगला सवाल है, किताबुल असार के मुसन्निफ़ कौन हैं? इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद। इसका सही जवाब है इमाम अबू हनीफ़ा। अगला सवाल है, कुरान पाक की कितनी मंजिलें हैं? 4, 5, 6, 7। इसका सही जवाब है 7। अगला सवाल है, दुनिया के लुघवी माना हैं? आर्जी चीज़, दूर की चीज़, इम्तहान की जगह, करीब की जगह। इसका सही जवाब है करीब की जगह या करीब की चीज़। अगला सवाल है, मुसारफ़ ज़कात की तादाद क्या है? 5, 6, 7, 8। इसका सही जवाब है 8। अगला सवाल है, बासत के बाद मक्का में कितने साल के बाद हिजरत मदीना का हुक्म हुआ? 10, 11, 12, 13। इसका सही जवाब है 13 साल के बाद। अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजल होने वाली पहली वही कितनी आयात पर मुश्तमिल थी? 4, 5, 6, 7। इसका सही जवाब है 5। अगला सवाल है, कुरान पाक में बदनी सूरतों की तादाद कितनी है? 24, 26, 28, 30। इसका सही जवाब है 28। अगला सवाल है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज कब अदा किया था? 10 हिजरी, 9 हिजरी, 8 हिजरी, 7 हिजरी। इसका सही जवाब है 10 हिजरी। अगला सवाल है, जिहाद के लफ्जी माना है कोशिश करना, कत्ल करना, तबलीग करना, सजा देना। इसका सही जवाब है कोशिश करना। अगला सवाल है, शिरक के लुघवी माना है बराबरी, हिस्सादारी, बरतरी, कमतरी। इसका सही जवाब है हिस्सादारी। अगला सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक किस गजवा में शहीद हुए? खंदक, बदर, तबूक, ओहद। इसका सही जवाब है गजवाए ओहद। अगला सवाल है, कुरान मजीद कितने अरसे में मुकम्मल नाजिल हुआ? 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल। इसका सही जवाब है 23 साल। अगला सवाल है, हज़रत अबू बकर सदीक ने तदवीन कुरान मजीद की जिम्मेदारी किसको सौंपी? हज़रत उस्मान, हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद बिन साबित। इसका सही जवाब है हज़रत ज़ैद बिन साबित। अगला सवाल है, कुरान पाक में मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? 82, 84, 86, 88। इसका सही जवाब है 86। अगला सवाल है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत का नाम क्या है? सूरतुल कौसर, सूरतुल इखलास, सूरतुल नसर, सूरतुल नास। इसका सही जवाब है सूरतुल कौसर। अगला सवाल है, सही बुखारी के मौलिफ का नाम क्या है? अली बिन इस्माइल, अहमद बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन अहमद, मोहम्मद बिन इस्माइल। इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन इस्माइल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा।